अलग किस्म का मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज में, स्कूल में आपके इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन किस लिए हो रहा है, ये चुनने के लिए कि स्कूल का प्रेसिडेंट कौन होगा। अगर आपको अपने कॉलेज में ये इलेक्शन के अगर कोई भाषण देना हो, आपने लिखा था ना अपने रिपोर्ट कार्ड में कि आपको स्पीच देना बहुत पसंद है, तो भाषण अगर देना हो तो क्या भाषण देंगे आप? सर, स्कूल का प्रेसिडेंट या इंडिया का? चलिए इंडिया का कर देते हैं, ठीक है। और जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना यहाँ नंदिनी, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs हैं, तो उनको आप प्रभावित करने के लिए, क्योंकि आप देश के राष्ट्रपति बनने वाली हैं, इसलिए आपकी स्पीच कैसी होगी? जी, मैंने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जहाँ हर व्यक्ति शिक्षित होंगे और हमेशा आगे कदम बढ़ाएंगे। एक ऐसा भारत जहाँ हर कोई आजाद होंगे और हर किसी चीज में हमेशा आगे रहेंगे। मैं चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी बोला था, इंडिया का लिटरेसी रेट 100% हो और इंडिया उन्नति के दौर में सबसे आगे हो। ये मेरा सपना है और इसी सपने को सच करने के लिए मैं भारत की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। मेरा विश्वास है कि शिक्षा यानी कि एडुकेशन ही है जो हमारे देश से गरीबी और अज्ञानता के बादल हटा सकते हैं। तो अगर मैं इंडिया की प्रेसिडेंट बनूं, तो मैं इन सारे सपनों को सच करने के लिए जी जान से मेहनत करूंगी। मैं अपना सपनों का भारत अपनी आंखों से देखूंगी और सबको दिखाऊंगी भी। धन्यवाद। चौदह साल की उम्र में आपने ऐसा भाषण दिया है कि बड़े बड़े नेता भी ना दे पा रहे होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको राजनंदिनी। थैंक यू सर।